भोटिया पड़ाव की जमीन को हस्तांतरित किए जाने की मांग को लेकर जोहार सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने सोमवार को भोटिया पड़ाव में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने कहा कि भोटिया पड़ाव की जमीन भोटिया जनजाति को आवंटित है, लेकिन वर्तमान में प्रशासन ने जमीन को अन्य लोगों को आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि जब तक भोटिया पड़ाव की जमीन उन्हें आवंटित नहीं की जाती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इधर प्रशासन भी इस मामले की जांच में जुट गया है। तहसीलदार दीपिका आर्य ने भोटिया पड़ाव पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की है। हमारी रणनीति जब यहाँ विकास करने या जिला प्रशासन के द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने लग गए, हम ये पहले कुछ करना नहीं चाह रहे थे, तो इस बीच जो है हम लोगों ने संबंधित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद विधायक सभी को चिट्ठी दिया है। आगे भी हम एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलने चाह रहे हैं, क्योंकि ये पड़ाव जो है 300 साल पहले नवंबर महीने से अप्रैल महीने तक का मेला लगता था। ये ऐतिहासिक मेला उत्तरायणी का जो है मशहूर मेला है। अंग्रेज एटकिंसन भी लिखा गया, मानसखंड में है, बद्रीधर पांडे जी के इतिहास में, कुमाऊं क्षेत्र में भी इसका इतिहास है। हम इसको जो है आगे, पहले तो सरकार हमें प्यार से देगा, नहीं देंगे तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और जितने भी भोटिया कौम के लोग हैं, चाहे धारचूला हो, मुंशहरे, चमोली, या हम लोग यहाँ पर जन आंदोलन बड़ा रूप से चलाएंगे आगे को, जब तक हमें यह नहीं मिल पाएगा। ये हमारे भोटिया पड़ाव बरसों से है और इसको लड़ने के लिए हम लोग सब एकजुट हुए हैं और आगे भी हम लोग इसके लिए लड़ते रहेंगे। जब तक हमें ये नहीं मिले तब तक हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का धरोहर है। इसको बचाना हम लोगों का, हमारे जोहारियों का, हमारे शौका कौम, हमारे भोटिया कौम सबका कर्तव्य है और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। इनको हमने ज्ञापन दे रखा है और हमने पहले भी दे रखा है, उसके सब डेट वाइज डाल रखा है और हमारी मांगे सुने और ये हमारी ये जो भोटिया पड़ाव है हमारे ये अंदर हमें हस्तांतरित करें। CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।